नमस्कार। देखिए, पिछले वीडियो में क्लास टेंथ के लिए जो प्रकाश अध्याय चल रहा था उसमें मैंने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना बताया था। अवतल दर्पण की 5 स्थितियां बताई थी, आज मैं 6 स्थिति बता रहा हूँ। पिछली 5 स्थितियों में जो हमारा प्रतिबिंब बनना था वो वास्तविक बनना था। अब जो अगली स्थिति है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो, तो इसमें ये स्थिति बनती है। ये देख लीजिए, ये देखिए अवतल दर्पण है, ये बिंदु P है, ये F है और ये वक्ता केंद्र है। बस तो यहां रखी हुई है, ये A भी वस्तु है। वस्तु भी कह सकते हैं, बिंब भी कह सकते हैं, वस्तु या बिंब। देखिए, यहां से जो किरण जाएगी समानांतर, वो परावर्तन पश्चात फोकस से होकर जाएगी। वक्ता केंद्र से आने वाली किरण इसी रास्ते पे वापस चली आएगी। जब हम इनको पीछे में लाएंगे तो ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बनेगा। ये कैसा होगा? सीधा है, दर्पण के पीछे बनना है, तो निश्चित ही आभासी होगा। आभासी, आभासी दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, इसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने में 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में 5 स्थितियों में वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है, एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बना है, वो ये हमारी स्थिति है। अब अगला हम केस लेते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसमें केवल एक ही स्थिति संभव है, दो भी स्थिति मान सकते हैं। पहली स्थिति हम ले लेते हैं, चलिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये भी स्थिति ले सकते हैं। तो इसमें ये दर्पण है, उत्तल दर्पण है और वस्तु बहुत दूर रखी है, बहुत दूर अनंत पर। अब यहां से जो किरण आएगी वो कैसी आएगी? समानांतर आएगी। ये P है, ये F है और ये सी, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ये प्रतिबिंब फोकस पे बन जाएगा। अब चूंकि दर्पण के पीछे बनना है तो ये प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इस तरह से देखिए, आभासी दर्पण के पीछे
फोकस पर, फोकस पर सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा। अब इसमें हम दूसरा केस ले लेते हैं जो कि हमारा मुख्य केस है, जब वस्तु दर्पण के निकट हो, जब वस्तु दर्पण के निकट हो उस समय क्या स्थिति बनेगी, जब वस्तु वस्तु दर्पण के निकट हो, जब वस्तु दर्पण के निकट हो ए बी और ये फोकस और ये सी चीज, तो ये बस तो यहाँ तो ये क्या होगा, छोटा हुआ, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी होगा, आभासी आभासी वस्तु से छोटा, से छोटा छोटा ध्रुव तथा फोकस के बीच बीच सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखा। देखिए कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी, हमने इन नोट्सों में भी इनका जिक्र किया है, ये जो नोट्स हमने इसमें अटैच कर रखे हैं इसमें भी हमने इन चीजों का जिक्र किया है, इसको समरी बना करके भी हमने ये दिखाया हुआ है। अब देखिए कुछ चीजें हमें याद रखनी होगी, क्योंकि अवतल दर्पण में ज्यादातर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक बार आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का मैं एक बार फिर चित्र बना ले रहा हूं, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है, फोकस और ध्रुव के बीच में यहां रखी होती है, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनता है, बड़ा छठी जो स्थिति है। तो इसमें जो अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, ये इनमें सबसे बड़ा अंतर है। दूसरी बात यह है, दूसरा एक और अंतर यह है कि इसमें उत्तल अवतल दर्पण में कभी भी फोकस और ध्रुव के बीच में कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बनता है। ये जो दो अंतर है जिससे हमें खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अवतल दर्पण में छह स्थितियों में से पांच स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक स्थिति में प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही बनता है। अब बात आती है दर्पणों के अनुप्रयोग, हम व्यवहारिक जीवन में हम दर्पणों का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं,
हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो गोली दर्पण की कर रहे हैं। समतल दर्पण का तो उपयोग हम घर में अपना चेहरा देखने के लिए, मेकअप करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं गोली दर्पणों के उपयोग, गोली दर्पणों के उपयोग की उपयोग गोली दर्पणों का। देखिए आपने देखा होगा मोटरसाइकिल कार में किसी पीछे वाली वस्तु को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है, देखिए ये इस टाइप का होता है, ये हमारे कार में लगा होता है, इस टाइप से कार में लगा होता है तो हमें पीछे की वस्तु दिखाई दे जाती है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। मोटरसाइकिलों में भी लगा होता है, कारों में भी लगा होता है, जिससे कि पीछे कोई आने वाली सवारी है अगर आती है तो जिससे हम उसको साइड दे सकें। तो उत्तल दर्पणों का मुख्य उपयोग कारों में उपयोग होता है, गाड़ी मोटरसाइकिल में उपयोग होता है, स्कूटी में उपयोग होता है, पीछे आने वाली वस्तु को देखने के लिए। इसका जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, पीछे की वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो कि आकार में छोटा होता है। पीछे से मान लीजिए कोई ट्रक आ रहा है तो ट्रक बहुत बड़ा आकार है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा जो कि हमें पीछे दिखाई देगा। इसी तरह से अब बात आती है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में आपने देखा होगा जो कारें हैं होती हैं या मोटरसाइकिल होती हैं उस में जो लाइट लगी होती है वो उसका जो शेप होता है पीछे का जो भाग का शेप होता है वो इस टाइप का होता है अवतल दर्पण। उसके फोकस पर बल्ब लगाया जाता है जिससे प्रकाश चलता है और परावर्तित होकर जो प्रकाश जाता है वो समानांतर जाता है जो काफ़ी दूर तक जाता है। तो कारों में मोटरसाइकिल में जो हेडलाइट होती है उसमें जो दर्पण होते हैं जो लाइट वाले दर्पण होते हैं पीछे वो अवतल दर्पण होते हैं, उनके फोकस पर बल्ब को रखा जाता है। इसी तरह से दांतों के डॉक्टर होते हैं, कान नाक के डॉक्टर होते हैं, वो अपने ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगाए होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि बाहर से जब लाइट आती है तो उससे फोकस होकर के जिस जगह पर हम देखना चाहते हैं तो किरणें वहाँ एकत्रित हो जाती हैं जिससे कि हमें प्रकाश ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये अभी तक मैंने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से परावर्तन बताया, अब मैं आगे आपको इससे संबंधित सूत्र बताऊंगा और सूत्र का अनुप्रयोग बताऊंगा। हाई स्कूल स्तर पर इसका डेरिवेशन नहीं है, निगमन नहीं है, केवल सूत्र से परिचय कराना है और उससे संबंधित प्रश्न कराएंगे, ये हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे, नोट्स भी देख रहे होंगे। आप सभी वीडियो को मन से देखते रहिए और उससे अटैच जो हमारे पीडीएफ फाइल में नोट्स दिए हुए हैं उनको भी देखते रहिए। धन्यवाद।